IBN 7 Horsefly. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 बड़ी खबरें देश और दुनिया की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुपर फास्ट बुलेटिन की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति ओबामा का एक ही अहम कार्यक्रम है, वो दिल्ली के सिरफुट ऑडिटोरियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे है। करीब 1:30 बजे राष्ट्रपति ओबामा का काफिला पालम एयरबेस की ओर रवाना होगा और दोपहर 1:50 पर वो सऊदी अरब के लिए रियाद रवाना हो जाएंगे। पहले तय हुआ था कि वो आज आगरा ताज के दीदार के लिए जाएंगे, लेकिन शाह अब्दुल्ला के निधन के बाद उनके कार्यक्रम में तब्दीली की गई। अमेरिका से रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ओबामा आगरा न जाने के लिए खेद जता चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यक्रम के मद्देनजर आज दिल्ली का अगस्त क्रांति मार्ग बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस रास्ते पर आम गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भले ही आज दोपहर रियाद के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके एक कार्यक्रम पर देश भर की नजरें लगी रहेंगी। आज रात 8 बजे राष्ट्रपति ओबामा और मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। ये कार्यक्रम पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया गया है। पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए रिकॉर्डिंग की फोटो सार्वजनिक की। अब तक पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में 20 मिनट का संबोधन करते आए हैं, लेकिन ओबामा के साथ अब विशेष प्रसारण 35 मिनट लंबा होगा। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने होटल ताज पैलेस में सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया और फिर होटल ताज पैलेस में ही आयोजित यूएस इंडिया बिजनेस समिट को संबोधित किया। यहां अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत असीम संभावनाओं का देश है और अमरीका उसका नेचुरल पार्टनर है। इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदि गोदरेज, सिद्धार्थ बिरला समेत दोनों देशों के प्रमुख व्यापारी घराने के लोग शामिल हुए। सीईओ फोरम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि, शिक्षा, रक्षा क्षेत्र के व्यापारिक पहलू पर भी चर्चा हुई। इंडिया यूएस बिजनेस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत निर्माण में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पीएम मोदी ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने में आसानी होगी। ओबामा ने लेकिन भारत को रेड टेपिज्म खत्म करने को कहा। इंडो यूएस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एशिया में सबसे ज्यादा निवेश का माहौल भारत में है। मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो खुद बड़े प्रोजेक्ट पर नजर रखेंगे। राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने निकले हैं तो किसी को शक नहीं रह जाता। उन्होंने कहा वो इसे अमेरिका में आजमाना चाहेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी गणतंत्र दिवस की यात्रा पर हुई बातचीत और समझौता महज एक प्रतीक नहीं है, बल्कि वो इसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की मेजबानी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और अमरीका के राजनीतिज्ञ अब इस दोस्ती की अहमियत को समझते हैं। देशभर में 66वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक राजपथ पर पारंपरिक परेड का आयोजन हुआ। परेड में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की झांकी दिखी। परेड के दौरान थल और नौसेना के साथ वायु शक्ति का भी शानदार प्रदर्शन हुआ। 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुबह 10 बजे तिरंगा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी मौजूद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस परेड में एक और इतिहास रचा गया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला सैन्य दस्ते ने भी हिस्सा लिया। महिला अधिकारियों का नेतृत्व इस दौरान खास आकर्षण रहा। इसके जरिए भारत ने महिला शक्ति का प्रदर्शन किया। कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता दिखाने वाले मेजर मुकुंद वरदराजन और नायक नीरज कुमार सिंह को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। राजपूत रेजिमेंट के अधिकारी मेजर वरदराजन ने पिछले साल शोपियां में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। देश के वीरों को अशोक चक्र प्रदान करने के बाद भारत का शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ। मौसम की मार को धत्ता बताते हुए तिरंगा लेकर हेलीकॉप्टर भी राजपथ पहुंचे।
ऐतिहासिक राजपथ पर 16 राज्यों और 9 केंद्र मंत्रालयों और विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई। इन झांकियों में देश के ऐतिहासिक स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिली। झांकियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे जनधन योजना, मां गंगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि की छाप दिखी। इसके साथ विभागों की झांकी में बुलेट ट्रेन और मेक इन इंडिया की झांकी में भी लोगों का ध्यान खींचा। राजपथ पर स्वदेश निर्मित थल सेना का सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का आकाश मिसाइल और हथियारों का पता लगाने वाला रडार भी दिखा। इन दोनों को डीआरडीओ ने तैयार किया है। पहली बार लंबी दूरी का नौवहन निगरानी और पनडुब्बी विरोधी P-8I विमान के साथ ही लंबी दूरी के MiG-29 के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया। P-8I विमान हाल ही में खरीदा गया है। भारतीय थल सेना ने राजपथ पर लेजर से चलने वाले टैंक, आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए दुनिया को देश की ताकत दिखाई। T-90 टैंक भीष्म, बख्तरबंद वाहन BMP-2 सरत और T-72 टैंक भी परेड में शामिल हुए। इस दौरान कैनबरा बनवर्षा का MI-4 हेलीकॉप्टर और पैकेट परिवहन विमान का प्रदर्शन हुआ। नौसेना की झांकी में नौवहन युद्ध के चारों आयामों को समेटते हुए नौसेना की क्षमता दिखी। 66वें गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर पीएम मोदी की अगुवाई रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने की। इस दौरान नरेंद्र मोदी बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। पीएम जोधपुरी पगड़ी पहने हुए थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा 9:50 पर राजपथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने अपनी कार बीस्ट से राजपथ पहुंचे। राजपथ पर राष्ट्रपति ओबामा की कारों का काफिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने से पहले पहुंचा। पिछले साल तक गणतंत्र दिवस पर आने वाले मेहमान राष्ट्रपति की गाड़ी से ही राजपथ तक पहुंचते थे। हालांकि 66वें गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा की बीस्ट कार में आने की वजह सुरक्षा बताई गई। खबरों के मुताबिक बराक ओबामा ने प्रणब मुखर्जी को खुद की कार से परेड में शामिल होने के लिए राजपथ तक चलने की पेशकश की थी, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी गाड़ी से आए। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस पर इस बार गूगल की भी झांकी देखने को मिली है। हालांकि ये झांकी परेड में नहीं, गूगल के डूडल में देखने को मिली। इस डूडल में फूलों से सजी झांकी को राजपथ से निकलते हुए दिखाया गया है। इस झांकी पर एक तरफ इंडिया गेट और एक तरफ राष्ट्रपति भवन है और बीच में उनको जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी के लिए बुलेट प्रूफ शीशे की गैलरी बनाई गई थी। राजपथ पर बने राष्ट्रपति के सलामी मंच की विशिष्ट दीर्घा में राष्ट्रपति के दाएं और बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और बाईं और बैठी मिशेल ओबामा परेड का आनंद ले रही थी। दीर्घा में ओबामा के अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बराक ओबामा सबसे ज्यादा रोमांचित तब दिखे जब बीएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल पर स्टंट दिखाए। ओबामा ने बाइक पर करतब दिखा रहे बीएसएफ के जवानों को थम्सअप का इशारा करके सराहा। बीएसएफ के जवानों ने हैंडल छोड़कर बाइक चलाने, बाइक के ऊपर सीढ़ी रखकर उसके ऊपर से बाइक चलाने और गिनती के 2-4 बाइक पर कई कई जवानों को एक साथ लेकर चलने के करतब दिखाए। परेड के बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए आठवें कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोस्ती की झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से आयोजित किए गए समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उनकी झांकी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। टीएमसी का कहना है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राज्य सरकार की तरफ से कन्याश्री योजना को दर्शाते हुए झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का कहना है कि कौन सी झांकी जाएगी इसका चुनाव एक कमेटी करती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सूबे की झांकी में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की फोटो लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया। झांकी में बकायदा जयललिता का बड़ा कटआउट लगाया गया था। इस पर हमला बोलते हुए विपक्ष ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को यहां को लोगों को शर्मसार करने पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि उनके नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेड का न्योता नहीं दिया गया। एएपी का कहना है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार किरण बेदी को न केवल प्रथम पंक्ति में बैठने की जगह दी गई बल्कि कैमरा भी उन्हीं को बार बार फोकस करता रहा। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चीन की तरफ से आए संदेश में दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा जताई गई है। चीन के भेजे संदेश में यह भी कहा गया है कि भारत की विकास की उपलब्धियों से चीन खुश है। चीन और भारत के बीच आपसी सहयोग बहुत मजबूत और दोनों देशों के हित वाले अनेकों क्षेत्रों में चीन भारत के साथ है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजा है। संदेश में नवाज शरीफ ने लिखा है कि पाकिस्तान की जनता और सरकार की तरफ से भारत के लोगों और सरकार को 66वें गणतंत्र दिवस पर बधाई। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारत और पाकिस्तान के जवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। सीमा पर दोनों तरफ से इस परेड को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण का पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया। वो 94 साल के थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आरके नारायण के छोटे भाई लक्ष्मण अपने 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। बचपन से ही आरके लक्ष्मण का कार्टून और चित्रों से लगाव बढ़ता चला गया। मैसूर विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री लेने के दौरान ही उन्होंने स्वराज्य पत्रिका के लिए कार्टून बनाना शुरू किया और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय शोहरत हासिल की। द कॉमन मैन किरदार को गढ़ने वाले कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण देश की अहम हस्तियों में से एक थे। करीब 5 दशकों तक अपने कार्टूनों के जरिए राजनेताओं को निशाना बनाते हुए वो करारे व्यंग कसते थे। एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में लक्ष्मण दशकों तक समाचार पत्रों से जुड़े रहे। आरके लक्ष्मण ने फ्री प्रेस जर्नल के कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2005 में आरके लक्ष्मण को भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1985 में ही उन्हें पत्रकारिता, साहित्य और संचार के लिए रेमन मैक्से पुरस्कार से नवाजा गया। कोयला घोटाला मामले में आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई बताएगी कि इस मामले में उसकी जांच अब तक कहां पहुंची है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से हुई पूछताछ के बारे में भी जानकारी दे सकती है। बता दें कि उड़ीसा के तालाबीड़ा कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने पूर्व पीएम से पिछले हफ्ते पूछताछ की थी। कोर्ट ने सीबीआई को 27 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी कालकाजी में दोपहर 2 बजे रोड शो करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। किरण बेदी तिमारपुर, बुराड़ी, सीलमपुर, घोंडा और करावल नगर में रोड शो करेंगी। हरियाणा के हिसार में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार एक परिवार बरवाला के पास पहुंचा तो मानव रहित रेलवे फाटक को पार करते समय उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। तभी तेजी से आ रही पैसेंजर ट्रेन ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क में बाघों के शिकार को अंजाम देने वाले शिकारियों को एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा है। बाराही रेंज में पकड़े गए इन 6 शिकारियों पर 3 बाघों को जहर देकर मारने का आरोप है। मेरठ के थाना लिसारी गेट और थाना परतापुर इलाके में 6 लोगों की धारदार हथियार से हत्या होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को लिसारी गेट और थाना इलाके के समर गार्डन कॉलोनी में एक महिला सहित 3 बच्चों के शव मिले। आगरा के एक स्कूल में नौकरी करने वाले गार्ड के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश किसी और को मारने आए थे लेकिन जब वे उसे नहीं मार पाए तो महेश को उठा ले गए। महेश को कुछ दूर ले जाकर बदमाशों की ने हत्या कर दी। गुड़गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को बैग में बंद करके घर से फरार हो गया। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। गुड़गांव पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो देखा कि अंजलि का शव एक बैग में बंद है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बंधुआ नगर गांव में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने गांव के 6 लोगों को जख्मी कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और तेंदुए को मार गिराया।
चोगी के समीप हुए दर्दनाक कार हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई है। इन युवकों की कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दौसा में युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की आरोपी से 3 साल पहले दोस्ती हुई थी। बालाघाट में एक 5 साल की बच्ची के साथ रिश्ते में उसके ताऊ ने यौन शोषण किया है। जब बच्चे रोने लगे तो उसकी मां मौके पर पहुंच गई और तब आरोपी भाग खड़ा हुआ। बालाघाट में वन विभाग ने बाघ की खाल की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से बाघ का खाल बरामद किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है। इसके साथ ही दोनों टीमों को 2-2 अंक मिल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने भेजा था। शिखर धवन एक बार फिर से सस्ते में आउट हो गए, लेकिन 16 ओवर के खेले गए इस मैच में एक बार फिर से बारिश ने खेल में बाधा डाली। जब बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया तो आखिरकार खेल रद्द करने का फैसला लिया गया। अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 30 जनवरी को मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने ट्विटर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं खास तस्वीर के साथ दी हैं। इनमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली तिरंगे के साथ खड़े हैं। दोनों के बीच मीडिया में लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ओपनर शिखर धवन का खराब फॉर्म अब टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में धवन के बल्ले से 8 रन ही निकल पाए। इससे पहले ट्राई सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धवन के बल्ले से 2 रन निकले थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ धवन 1 रन बनाकर ही चलते बने। ट्राई सीरीज में धवन ने 3 मैचों में धवन के बल्ले से 11 रन किए हैं। वनडे सीरीज में लगातार फ्लॉप हो रहे शिखर धवन को लेकर कप्तान धोनी असमंजस की स्थिति में है। धवन अगर सीरीज में आगे भी फ्लॉप रहते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा के साथ कोई और खिलाड़ी ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। इयान चैपल ने वर्ल्ड कप खिताब बरकरार रख पाने की टीम इंडिया की क्षमता पर आशंका जाहिर की। उन्होंने वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए भारत को अपने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 3रे नंबर पर उतारने की सलाह दी। लगातार 3 मैच हारने के बाद आखिरकार वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज में पहली जीत दर्ज की है। बेहद रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को 1 विकेट से हरा दिया। पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी सना जयसूर्या ने अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों पर निराशा जाहिर की। श्रीलंका वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों के मद्देनजर न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में 1-4 से पीछे चल रही है। डोमिनिका स्टिपुलकोवा ने 2 बार की चैंपियन अजरिंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर कर दिया। स्टिपुलकोवा पहला सेट 6-2 से जीत लिया। दूसरे सेट में अजरिंका ने 6-3 से जीत कर मैच में वापसी जरूर की, लेकिन तीसरा सेट स्टिपुलकोवा ने 6-3 से जीत कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजय अभियान जारी है। सेरेना ने मुगुराजा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सेरेना ने मैच 6-3, 6-2 से जीतकर अगले दौर का रास्ता साफ कर लिया। सानिया मिर्जा के बाद पुरुष खिलाड़ी लियांडर पेस ने भी मिक्स डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सानिया और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस की टॉप सीडेड जोड़ी ने दूसरे दौर के मुकाबले में जीत दर्ज की है। वहीं पेस और मार्टिना हिंगिस भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 3 बार के इंडिकार चैंपियन न्यूजीलैंड के स्कॉट डिक्शन ने रोलेक्स 24 इंटरनेशनल रेसिंग कॉम्पिटिशन जीत ली है। डिक्शन ने इस जीत के साथ ही 12 रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर 6 में चैंपियन बनने का भी रिकॉर्ड बना लिया। अमेरिका की लिंसे वॉन ने रिकॉर्ड जीत के साथ स्विट्जरलैंड में आयोजित अल्पाइन स्काइंग वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया है। वॉन की यह रिकॉर्ड 64वीं जीत है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी इटली में हुई प्रतियोगिता में वॉन ने अपनी विजय रथ को बरकरार रखा। स्लोवानिया के फिलिप ने वर्ल्ड स्काई क्रॉस चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। फिलिप ने ओलंपिक चैंपियन फ्रांस के जीन फ्रेडरिक को हराया। वहीं महिला वर्ग में ऑस्ट्रिया की एंड्रियो ने भी फ्रांस की ही खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। बॉलीवुड हस्तियों ने सोमवार को 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड देखने से जुड़ी अपनी यादों को न केवल याद किया बल्कि देश के कल्चर के प्रति गर्व भी जताया। उन्होंने इस खास दिन पर ट्विटर पर शुभकामनाएं देकर देश और दुनिया में एकता और अमन बने रहने की कामना की। बेहतर रिव्यूज मिलने के बाद कमाई के मामले में भी अक्षय कुमार की फिल्म बेबी सोनम कपूर की फिल्म डॉली की डोली से काफी आगे निकल गई है। फिल्म बेबी ने 36 करोड़ कमा लिए।
एक बयान में कहा गया है नीरज पांडे निर्देशित बेबी ने 3 दिनों में 36.7 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अरबाज खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म डॉली की डोली ने रिलीज के बाद 3 दिनों में 10.75 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभिषेक डोगरा निर्देशित इस फिल्म में सोनम कपूर, पुलकित सम्राट और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक लुटेरी दुल्हन के इर्द गिर्द घूमती है। रियलिटी टीवी स्टार राहुल महाजन ने मॉडल अपर्णा जोशी के साथ डेटिंग करने की खबरों का ये कहते हुए खंडन किया कि फिलहाल वो सिंगल हैं। बिग बॉस हला बोल की सह प्रतियोगी संभावना सेठ ने दावा किया था राहुल का अफेयर अपर्णा के साथ है। अमिताभ बच्चन पद्म विभूषण सम्मान पाकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मान ने उन्हें अभिभूत कर दिया है। अब उनके परिवार में 7 पद्म पुरस्कार हो गए हैं। बिग बी इससे पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। सोनम कपूर इन दिनों अनुष्का शर्मा की काफी तारीफ कर रही हैं। सोनम कपूर आजकल जिससे भी मिलती हैं उससे अनुष्का शर्मा की तारीफ करने लगती हैं। अनुष्का भी डॉली की डोली के प्रीमियर पर आई थी जहां उन्होंने भी सोनम की जमकर तारीफ की थी। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी को महेश भट्ट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल आलिया और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं। इसी बारे में जब महेश भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आलिया कोई बच्ची नहीं है। सवाल जवाब के एक शो को होस्ट करने के लिए शाहरुख खान ने बिग बॉस सीजन 8 को होस्ट करने से मना कर दिया है। दरअसल शाहरुख केबीसी के तर्ज पर बनने वाले सवाल जवाब वाले शो को होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा राम रहीम की विवादित फिल्म MSG की रिलीज की तारीख तय हो गई है। फिल्म अब 13 फरवरी को रिलीज होगी। बता दें कि पहले ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होती थी मगर सेंसर बोर्ड और MSG के खिलाफ विरोध की वजह से रिलीज टल गई। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बनने वाली बायोपिक में जैकलीन फर्नांडिस को बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया है। फिल्म में जैकलीन अजहर की दूसरी बीवी यानी संगीता बिजलानी के किरदार में दिखाई देंगी। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन पर बनने वाली बायोपिक के लिए अजहर खुद लीड एक्टर को ट्रेनिंग देंगे। फिल्म में अजहर के किरदार के लिए इमरान हाशमी को लिया गया है। ये फिल्म सोनी डिसूजा के निर्देशन में बनेगी। विशाल भारद्वाज हैदर के बाद कश्मीर पर एक और फिल्म बनाना चाहते हैं। ये फिल्म कश्मीर की मानव त्रासदी पर आधारित होगी जिसमें कश्मीरी पंडितों के निर्वासन की पीड़ा को दिखाया जाएगा। अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब में करीना के ऑपोजिट अब पंजाब फिल्मों के सुपरस्टार दलजीत दोसांझ दिखाई देंगे। इससे पहले फवाद खान और आयुष्मान खुराना ने डेट्स की वजह से फिल्म न करने की बात कही थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर लोपेज का कहना है वो हमेशा अकेले हो जाने से डरती थी। जेनिफर का पति मार्क एंथनी से 2014 में तलाक हो गया था। जेनिफर अपने दो बच्चों एमी एंथनी और मैक्स एंथनी के साथ एक पत्रिका के फ्रंट पेज पर नजर आने वाली हैं।